Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. I am Sanjana. Today I'm going to create this beautiful bold red lips makeup look. So stay tuned and without further ado, let's get into the video. First, I'm going to use pore minimizing primer by Insight. Now I'm going to use Maybelline Superstay 24 Hour Full Coverage Foundation and I'm in the shade 128 Warm Nude. मैं बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज करूंगी। अपने नेक को कभी मत भूलना क्योंकि फिर आपका नेक अलग कलर का और आपका फेस अलग कलर का नजर आएगा और ईयर्स को भी मत। अभी ये मेरे शेड से काफी लाइट लग रहा है लेकिन जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो बिल्कुल मेरे शेड में ही लगेगा। मुझे अभी लगता है कि यहाँ जहाँ मेरे थोड़े एक्ने स्कार्स हैं वहाँ पर थोड़ा सा और प्रोडक्ट लगाना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा और प्रोडक्ट यहाँ यूज कर रही हूँ। अब मैं इनसाइट का एचडी कंसीलर यूज कर रही हूँ एंड आई एम इन द शेड LN10। मैं इसे अपने अंडर आई एरिया में अप्लाई करूंगी, थोड़ा अपने माउथ के पास और अपने फेस के हाईलाइट कर एरिया में और इसे मैं फिर से उसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूंगी। आई मेकअप मैं बहुत ही न्यूट्रल रखूंगी क्योंकि मुझे बोल्ड लिप्स करना है, तो उसके लिए मैं एक फ्लफी ब्रश में ये ब्राउन शेड लूंगी एक्सेस और मैं इसको अपने पहले क्रीज पर मैं पाउडर यूज़ करना भूल गई मेरे अंडर आई में, उसके लिए मैं इसी ब्यूटी ब्लेंडर पर थोड़ा सा पाउडर लूँगी इनसाइड का और इसे अपने अंडर आई पर लगाऊंगी ताकि जो मैंने कंसीलर लगाया था वो क्रीज ना हो और जहाँ जहाँ मैंने लगाया था वहाँ वहाँ भी मैं पाउडर यूज़ करूँगी। अब मैं अपना आई मेकअप कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं अपना पाउडर यहीं पर रहने दिया है ताकि जो भी फॉल आउट हो मैं उसे बाद में डस्ट ऑफ करूँ। अब मैं फिर से इस पैलेट में से ये लाइट कलर ले रही हूँ और इसे अपनी क्रीज लाइन से थोड़ा सा ऊपर ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं इसी पैलेट में से ये एक शिमर शेड है इसे पिक कर रही हूँ। अपने फिंगर से ही मैं इसे अपने आईज के लिड पर लगाऊंगी। वही ब्रश ले रही हूँ जिससे मैंने मेरा ब्राउन शेड लगाया था और अपने क्रीज पर जो भी मैंने शिमर और मैट शेड लगाया था उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं एक छोटे फ्लफी ब्रश को लूँगी और वापस वही ब्राउन शेड ले अपने लोअर लैश लाइन पर इसे ब्लेंड करूँगी। मैं अपने इस आँख का आई मेकअप करके अभी वापस आता हूँ। आई एम बैक। अब मैं आईलाइनर अप्लाई करूँगी। आईलाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डाजलर का वाटरप्रूफ आईलाइनर। मैं एक विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ करूँगी
ऐसा ही आईलाइनर इस आंख में लगाकर वापस आती हूँ। मैं इस मस्कारा के दो कोट यूज करूंगी क्योंकि ये मस्कारा उतना अच्छा वॉल्यूम नहीं देता है। अब मैंने जो पाउडर अपने अंडर आई पर लगाया था उसे मैं हटा दूंगी और मेरे ब्रश में जो पाउडर है उसे मैं अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूंगी। अब मैं अपने लोअर लैशेस पर भी मस्कारा अप्लाई कर लूंगी। अब मैं मेरे ब्राउज कर लूंगी, उसके लिए मैं एक स्पूली लूंगी और पहले अपने ब्राउज को डाउनवर्ड्स में ब्रश करूंगी। अब मैं स्विस ब्यूटी के आईब्रो पेंसिल से अपने आईब्रोज को फिल करूंगी। अब मैं अपने आईब्रोज को अपवर्ड्स में ब्रश करूंगी और फिर से अपने आईब्रोज को फिल करूंगी नीचे से। डिफरेंस आप देख सकते हैं। मैं जल्दी से इस ब्राउ को करके वापस आती हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू कॉन्टोर माई फेस। उसके लिए मैं मार्स के पैलेट से ये कॉन्टोर का शेड लूंगी और इसे मेरे हॉलो ऑफ द चीक्स पर अप्लाई करूंगी। एक बड़े ब्रश से इसे अप्लाई करूंगी। मैं इसे अपने फोरहेड के कॉर्नर्स में भी अप्लाई करूंगी। मैं अपने जॉलाइन पे भी इसे अप्लाई करूंगी। अब मैं इस छोटे ब्रश से अपने नोज को कॉन्टूर करूंगी। मैंने कॉन्टूरिंग कर ली है। अब मैं मेरा ब्लश अप्लाई करूंगी। उसके लिए मैं इसी पैलेट से ये वाला शेड ले लूंगी। ये पिंक, डार्क पिंक टाइप का शेड है, इसे मैं अपने चीक्स पर अप्लाई करूंगी। फैन ब्रश की हेल्प से अपना हाइलाइटर लगाऊंगी। मैं इस पैलेट के इन दोनों शेड्स को मिक्स करके अपना हाइलाइटर लगाऊंगी। मैं अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे भी हाइलाइट लगा लूं। मैं एक छोटे ब्रश से अपने इनर आई कॉर्नर पे भी हाइलाइटर अप्लाई करूंगी। मैं इसे ड्रैग करके थोड़ा सा ऊपर लेकर जा रही हूँ क्योंकि इससे हाइलाइटर जो इनर आई कॉर्नर पर होता है उससे बहुत अच्छा लुक आता है। मैं अपने ब्राउ बोन्स पर भी हाइलाइटर अप्लाई करूंगी। अब मैं मेरा मेकअप फिक्स कर रही हूँ। उसके लिए मैं इनसाइड का मेकअप फिक्सर यूज कर रही हूँ।
नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई माय लिपस्टिक. उसके लिए मैं ये रेड कलर की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ जो कि है मेकअप एंड मोर से. उससे पहले मैं अपने लिप्स को लाइन करूँगी इस रेड लिप लाइनर से. मैं लाइन इसलिए करूँगी क्योंकि डायरेक्ट डार्क कलर लगाने से अगर मेकअप में थोड़ा सा भी थर्ड लिपस्टिक लग गया तो पूरा मेकअप ही उतारना पड़ सकता है. अब मैं ये लिपस्टिक यूज करने जा रही हूँ. आई होप यू ऑल गाइज लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो देन जल्दी से जाओ और लाइक बटन पर क्लिक कर दो. और अगर आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.